अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल तिरंगा खीर या फिर तिरंगा डेजर्ट की रेसिपी। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज की रेसिपी मेरे चैनल की फर्स्ट डेजर्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तिरंगा खीर की फर्स्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर का हलवा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप हरे मटर। इसे मैं 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। हमें इसे हल्का सॉफ्ट कर लेना है। इसे आप कंटिन्यू चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें और इसे अच्छे से पका लें। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं और मेरा मटर अच्छे से पक चुका है। तो इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करूँगी और इसे हमें दरदरा पीसना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हो मैंने मटर को दरदरा पीसा है। तो मैं इसे वापस से पैन में ऐड करूँगी और इसे मैं 2 मिनट तक के लिए भूनूंगी। यहाँ पे मैंने कोई एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं किया है। जो मैंने पहले घी लिया था वही मेरे पैन में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसी में मैं मटर को 2 मिनट तक के लिए भूनूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मटर हमारा भुन चुका है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप दूध। इसे अब मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि मटर हमारे आधे दूध को सोख नहीं कर लेता और जो दूध की क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर के हाफ नहीं हो जाती। यहाँ पर आप देख सकते हो दूध की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी चीनी। मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून चीनी का यूज़ किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँ 1 हरी इलायची फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप इसे ऐड करें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि हमारा दूध पूरा सूख नहीं जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो दूध हमारा पूरा सूख चुका है और हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो अब हम फर्स्ट लेयरिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे ग्लास लिए हैं। इसमें मैं चम्मच की मदद से फर्स्ट लेयर बनाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट लेयर बना ली है। अब इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूंगी। तब तक हम दूसरे लेयर की तैयारी कर। तो दूसरे लेयर में हम खीर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन में 2 कप दूध लिया है। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि दूध में एक बार बॉयल नहीं आ जाता। अगर आपका दूध ऑलरेडी बॉयल्ड है देन आप इसमें डायरेक्टली राइस को ऐड कर सकते हैं। मेरा मिल्क बॉयल्ड नहीं था तो मैं यहाँ पर मिल्क को एक बार बॉयल करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मिल्क हमारा एक बार बॉईल हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून बासमती राइस। अगर आपके पास खीर की राइस नहीं है तो आप नॉर्मल बासमती राइस को लेकर के उसे मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करके उस छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में ले आएँ। अब इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि हमारा जो राइस है वो 80% कुक नहीं हो जाता। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। सारे खीर को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, आपको हाई फ्लेम में नहीं पकाना। यहाँ पर आप देख सकते हो राइस हमारा 80% कुक हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून चीनी। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 हरी इलायची। अगर आपको हरी इलायची पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप इसे स्किप कर दें। इसे अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि राइस हमारा पूरे मिल्क को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। यहाँ पर आप देख सकते हो राइस ने सारे मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा खीर ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं यहाँ पे फाइनल टच के लिए थोड़े सा काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब चलिए ग्लास में मैं दूसरी लेयर बनाती हूँ। जो हमारा पहला लेयर है वो सेट हो चुका है फ्रीज में रखने की वजह से। तो इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ। इसे अब मैं फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रखूँगी। तो चलिए अब हम लास्ट लेयर की तैयारी करते हैं। तो लास्ट लेयर के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी लिया है। इस तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 कप ग्रेटेड गाजर। आप कद्दूकस की मदद से गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लें। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 ग्राम के आसपास गाजर लिया है। अब इसे मैं 5 मिनट तक के लिए घी में अच्छे से भूनूंगी। आपको कंटिन्यू चम्मच की मदद से चलाते चलाते इसे भूनना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे गाजर का कलर है वो चेंज हो चुका है, वो रेड से थोड़ा ऑरेंज कलर में आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप दूध। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मिल्क की जो हमारी क्वांटिटी है वो हाफ नहीं हो जाती। यहाँ पर आप देख सकते हो मिल्क की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून शुगर। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुछ किशमिश। अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 हरी इलायची फ्लेवर के लिए, अगर आप चाहे तो ऐड करें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मिल्क हमारा फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हो गाजर ने पूरे मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया और इसका कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा आ चुका है। तो हमारा जो गाजर का हलवा है वो भी रेडी हो चुका है। तो जो हमने सेकंड लेयर को फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था उसके ऊपर मैं तीसरी लेयर बनाऊंगी गाजर के हलवे की। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी थोड़े से बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आप। इसे भी मैं आधे घंटे तक के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा तिरंगा खीर या फिर तिरंगा डेजर्ट रेडी हो चुका है। तो आपको ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी एंड वंस अगेन आप लोगों का हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।